One uh, specific energy that is kind of interesting because people put it in renewable and non-renewable, non-carbon dioxide, carbon dioxide-related uh, energy, uh, and you probably could guess that, and that is nuclear energy. Nuclear energy, uh, for sure, it's not uh, renewable, right? Once the uh, fission process, it has a lifetime, and once that lifetime is gone, it's gone. Uh, for example, the age of life, age of Earth.

तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूज चलाते हैं सेंट्रीफ्यूज जो हमें चश्मा वगैरह पे बहुत सारे लगे हुए तो उससे आइसोलेट कर देते हैं जो टू थर्टी फाइव जो है लेकिन वो अब वो जो सेंट्रीफ्यूज है वो चलते कैसे हैं वो बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस हैं और वो सारे इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है सारे तेल जलाने से या कोयला जलाने से तो क्या हुआ ये तो बात नहीं हुई कि न्यूक्लियर एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती यकीनन जब वो रिएक्टर के अंदर काम हो रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई दखल नहीं है लेकिन उसके अलावा जो है उसकी प्योरीफिकेशन के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला इनका है वो ये कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका क्या किया जाए अब अब ये न्यू पहला रिएक्टर जो था वो 1948 49 में बना था अब उसके बाद से अब तक के कोई हल नहीं है इनके पास कि वो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका क्या किया जाए तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये फीजेबल है अभी अगर वो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की उसकी कैलकुलेशन करें तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कीमती हो जाती है तो बहुत सारी जगहों पे अब न्यूक्लियर एनर्जी को बिल्कुल आ, छोड़ दिया गया है अब वो सिर्फ़ ये है कि आजकल चूँकि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो इस वजह से दोबारा थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया बट अदरवाइज यू नो इट्स ऑलमोस्ट अनएक्सेबल सोर्स ऑफ एनर्जी और बहुत सारे डिज़ास्टर हैं जो आपने पढ़े होंगे यकीन चरणबल फुकशीमा थ्रीमाइल एंड और इसकी जो कॉस्ट है ना जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल आपको पता है कि बेनिफिट टाइम्स दी कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक दिस कास्ट ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक दिस इफ इट बिकम्स रीजनेबल देन दिनिफिट मैटर हाउ मच बेनिफिट बिकॉज ह्यूमन लाइफ्स आर इन्वॉल्व तो वी विल टॉक अबाउट दैट तो अभी तक के जितने हमने बात की थी वो फ्यूल की बात की थी अब उसके कंजम्पशन की बात करते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अब हमारे पास कितनी एक बिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं अब वहाँ उस सब के लिए तेल चाहिए ठीक है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ भी अब आने वाली हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी तो तेल या गैस या कोल से ही बनती है ना तो इवेंचुअली तो वही जला रहे हैं रे, नॉन रिन्यूएबल फासिल फ्यूल तो उसके देखना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर क्या है कैसे किस तरीके से ये जो वन पॉन पॉन बिलियन कार्ड हैं हमारे पास इसको कैसे फीड किया जा सके तो उसके लिए फिर कोई ऐसा मॉडल करना चाहिए जो कि फीजबल हो गोइंग इन टू द फ्यूचर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अ पैनी सेव्ड इज़ अ पैनी अर्न सबसे बुनियादी चीज़ें ये होती हैं आगे जाने के लिए वो ये कि हर प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाएं। अब जैसे सोलर सेल है सोलर सेल की एफिशिएंसी पंद्रह बीस फीसद इसका मतलब जितनी भी सूरज उससे पड़ रहा है उसके सिर्फ बीस फीसद सूरज जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी गाड़ी जो है गाड़ी जो है वो उन्नीस फीसद चलती है उन्नीस इसका मतलब है कि आपने एक गैलन डाला और उसके ट्वेंटी परसेंट जो है उसकेलम की गाड़ वो जो है तेल जो है वो गाड़ी चलाने में इस्तेमाल हुआ तो अस्सी फ़ीसद जो है वो सर पोल्यूशन के तौर पे हवा में चला जाएगा तो वो उसका क्या तरीक़ा किया जाए तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी और दूसरी चीज़ें इंसुलेशन वग़ैरह है घर में किस तरीके से रखते हैं यहाँ शायद लाहौर में इतना मसला ना हो या कहीं यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर इतना मसला ना हो लेकिन जो कोल्ड जगह हैं सर्द जगह हैं जहाँ पर वहाँ पर तो इंसुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है अदरवाइज़ सारी की सारी एनर्जी बल बल्कि सारी की सारी तो नहीं लेकिन एक बड़ा पोर्शन एनर्जी का जो घर गर की गर्मी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है वो बाहर चला जाता है तो वो वो बड़ी ज़रूरत है तो वो टॉक अबाउट कि कहाँ से लीकेज होती है ज़्यादातर घरों में और कहाँ पे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो जिससे कुछ एनर्जी का बच जाए ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है हमारे लिए लेकिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है एयर पोल्यूशन अब आपको इसका तो यकीन अंदाजा होगा कि जब दिसंबर आता है तो लाहौर में जो धुंध चल चलती है वो एक चीज़ होती है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं वो हम उस पर वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स के एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे ही करते हैं बहुत ही आसान सा इकोनॉमिक टूल है वो कि जिससे फिज़ा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पचास से सौ तक के जो है वो ओके पचास तक के ठीक है पचास से सौ तक के ओके सौ से ऊपर जो है वो बिल्कुल हर एक की गला ख़राब करती है बल्कि बा, जो बूढ़े या जो यंग बच्चे होते हैं उनके लिए तो मौत का सबब भी बन सकती है हमारे पास लाहौर में और करीब के okay, दिल्ली में भी यही केस है ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है विंटर में 800 तक के चला जाता है 800 सौ इमेजन दैट सो देर इज़ अ बिग थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एयर पोल्यूशन एंड वाई इज़ द एयर पोल्यूशन सो ये क्यों नहीं होता जैसे गर्मियों में होता है ना गर्मियों में तो सारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं सर्दियाँ आती हैं तो सारी चीज़ें ऊपर वाला जो पंप होता है ना वो बंद हो जाता है Uh, उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन वो हम बात करेंगे कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है क्या अब वो नेचुरल कोई नेचुरल कोई प्रोसेस नहीं है जिससे उसको सारा पोल्यूशन जो है वो अर्थ से निकाला जाए फिर ये देखना पड़ेगा कि हाउ मच एनर्जी इज कमिंग इन टू द अर्थ एंड हाउ मच एनर्जी इज गोइंग आउट ऑफ द अर्थ जो सूरज से जो चलती है एनर्जी उसका काफ़ी सारा जो है वो पचास फीसद पचास फीसद दुनिया तक के नहीं पहुँचता कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ और कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो सिर्फ पचास फीसद यहाँ पर आता है अब वो पचास फीसद भी अगर आता रहे ना तो वो अर्थ जो है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि वो रहने के काबिल नहीं होगी इसका मतलब ये कि जितनी भी एनर्जी आती है वो बाहर भी चली जाती है तो जो आने वाले और जाने वाले का जो बैलेंस है ना उसको कहते हैं अर्थ अल्बेडो तो हम उसके पूरी तरीके से तफ्तीश करेंगे कि अर्थ अल्बेडो से कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है और किस तरह उसको अगर कंट्रोल कर सकें वो कंट्रोल के काबिल नहीं है वो लेकिन उसका ये है कि अर्थ जितनी बाहर जाने वाली एनर्जी है ना अगर ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जमा हो जाए तो बाहर नहीं जा सकती अब बाहर नहीं जा सकती इसका मतलब अर्थ टेम्परेचर जो है वो आ, बढ़ता जाता है सो देर फॉर वी टॉक अबाउट सी लेवल राइजिंग क्यों क्योंकि जितने भी जो आइस जो सेक्शन है नॉर्थ के अंदर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है

कैटल इतना सारा है ना गाय बकरियाँ वो सारी जो असली सोर्स है मैथेन का वो गाय बकरियाँ हैं तो क्या करेंगे उसके सोर्स के लिए तो वी विल टॉक अबाउट आर द इश्यूज एंड हाउ वी कैन गो अराउंड द प्रॉब्लम फिर ये आखिरी जो है ना इसका हिस्सा वो सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सारी वजह जो है इन सारी एन, एनर्जीज को डिफाइन करने की वो ये है कि सम हाउ वी हैडरस्टैंड द्लोबल अफेक्ट्स ऑफ दिस एनर्जी यूज राइट सो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बात की बात है एक सबसे बड़ी और एक है गैस जिसको कहते हैं ओज़ोन अब वो ओजोन जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो जो यू आती है ना सूरज से सूरज की शुआओं में यू आती है यू वी वन यू यू वी वी बी यू वी सी और लाइट और हीट ये पांच चीज़ें तो लाइट और हीट से तो हम गुजारा कर लेते हैं लेकिन वो यू वी ए बी सी जो है उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हमारे स्किन पे पड़े तो उससे स्किन पे कैंसर के इम्कान हो जाते हैं तो ये, पाकिस्तान में यकीन है ऐसे ही स्किन कैंसर का इशू लेकिन जो लोगों की स्किन थोड़ी सी हल्की होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू है तो वो, वो वो सब ओजोन के लिए है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि उसको आ, सारी दुनिया के लोगों ने बैठ के उसको हल किया और हल हो गया तकरीबन हल हो गया उसकी बड़ी उसके इस एग्ज़ैम्पल की एक बड़ी बात यह है कि हल कर सकते हैं

Uh, worry about this a little bit. So, I will talk a lot more about carbon dioxide in the last section.